आप पहुंच गए ऊपर, इन्होंने लिख के लगाया हुआ है यहाँ पे कि आप आइए देखिए, ये पढ़ लें, खुद ही पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ओबियन केव्स और ये आगे फिक ट्री, सेल्फ गाइडेड लाइमस्टोन जॉर्ज, और दूसरा प्लीज वेट हेयर फॉर ऑल गाइडेड टूर्स। हम क्यों वेट करें जब हम कर ही नहीं रहे उसका, तो इसलिए हम अपना अपने मज़े से अपना देख रहे हैं। ये देखिए आसमान भी जुड़े हुए हैं साथ दरख्तों के साथ, ठीक है। इधर से हम आए हैं नीचे से, अब वो ऊपर आ गए तो नीचे नजर नहीं आएगा। चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देख लो, ये आप देखें इधर सही है, ये सारे पहाड़ हो गए। केव हमने इधर जाना है उसके अंदर, तो पहले हम इधर चले जाएंगे, फिर उधर चले जाएंगे, फिर हर तरफ जाएंगे, देखेंगे सही है। अभी आप देखें ये डंडा है, ये डंडा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डंडा सही है, ये निकल कर दिखा रहा हूँ, ये लो पकड़ो डंडा, डंडा ले लो, डंडा पकड़ो, हाँ डंडा पकड़े चलो, टिक टक टक करके पता चले जा रही है, टक टक करके ऐसे करके हाँ सही है, ये हो गया है डंडा। अब हम चले, इसको हम स्टॉप कर दें, ये बाकी आपको ये देखो आ गई निकल, अब हम सांस आ गई है इसको, अब आप अब हम केव के अंदर जा रहे हैं, पहले पहाड़ के ऊपर आए थे, अब ये हम नीचे जा रहे हैं अपने पेस पे, जहाँ मर्जी रुक जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी देखते रहो। और वही देखिए ये जा रही है मैडम, डंडा ले लिया ऐसे हाथ में, और डंडा इसलिए होता है कि केव के अंदर बिच्छू विच्छू या लिजर्ड आते हैं तो उसको मारने के लिए, भगाने के लिए होता है, ताकि वो आपको काटे ना। तो अब हम चल रहे हैं, ये देखिए जा रहे हैं, ये केव है और लोग भी आ रहे हैं, ये निगत आ रही है केव की तरफ। मैं नीचे पहुंच गया हूँ पहले रिसीव करने के लिए, ये जा रहे हैं बिल्कुल केव के पास, ये हम कैमरा चाहते देखिए उन्होंने पहाड़ों को काट कर ये रास्ता बनाया, और मौसम जो है वो ऐसा है कि कभी एकदम से सूरज आ जाता है, बादल ये देखिए वादियाँ, ये खतरनाक वादियाँ, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ये देखिए खाई है, कोई फेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फेंस नहीं लगाई इन्होंने, और ये पूरी खाई है। हाँ, और जो खतरनाक है बस वहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने ये छोटी सी देखिए टुकड़ा लगाया है, ये ठीक है, बाकी आगे जाके हम उसके अंदर लगाएंगे। आप अब हम केव के अंदर जा रहे हैं, पहले पहाड़ के ऊपर आए थे, अब ये हम नीचे जा रहे हैं अपने पेस पे, जहाँ मर्जी रुक जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी देखते रहो। और वही देखिए ये जा रही है मैडम, डंडा ले लिया ऐसे हाथ में, और डंडा इसलिए होता है कि केव के अंदर बिच्छू विच्छू या लिजर्ड आते हैं तो उसको मारने के लिए, भगाने के लिए होता है, ताकि वो आपको काटे ना। तो अब हम चल रहे हैं, ये देखिए जा रहे हैं, ये केव है और लोग भी आ रहे हैं, ये वो लोग जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, हम तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, हमको बहुत जल्दी पड़ी है। ये देखिए हम ये जा रहे हैं, ये निगत केव के एंट्रेंस से पहुंच गई है। पहले मैं इस तरह का पहाड़ दिखा दूं, इस तरह का लेफ्ट साइड के खाई जो है जिसके अंदर हमने जाना है पूरा नीचे तक, ये नीचे तक खाई है ये पहाड़ के अंदर, और ये केव है जिसके अंदर हमने अभी जाना है, जाके देख रहे हैं उन्होंने क्या हमारे रखा। तो सीढ़ियाँ भी हैं, जो सीढ़ियाँ चल के जाना है उसके अंदर, हर तरह की स्लोप भी होंगे, सीढ़ियाँ भी होंगी इसके अंदर, और हो सकता है कि अंदर हमको वो ना बनाने दो, वो भी नहीं, नहीं बना सकते, भी बना सकते हैं, हाँ चलिए, तो अगर बना सकेंगे तो। ये निगत ये एंटर हो रही है फैक्ट्री,
टोकन एंट्री ओनली केव के अंदर। ये केव है, ये जा रही है, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, मूवी बनाता हुआ। सही है, ये अपने इसका केव का दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है। सही है, और ये नहीं कहता। चलो भाई एंटर हो जाओ। ये केव है, ये देखिए आगे जाइए वहाँ जाए, खड़िए थे हम, आगे जाओ। जय शाबाश, वेल डन, गुड डूइंग गुड। दोस्तों, हम फिग ट्री के केव्स के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और ये एक ऐसी केव है ऑस्ट्रेलिया में जो कि सेल्फ गाइडेड है, यानी कि आपको खुद एक्सप्लोर करनी है, खुद आगे जाना है और खुद वादियों में निकलना है। तो मैं आपको ऊपर दिखाने की वजह से कि मैंने आपसे बताया कि केव्स जो हैं वो हज़ारों मिलियन ईयर्स पानी जमीन से टकराता है चट्टानों से, तो उनमें रास्ता बनाता हुआ हॉलो शेप में उनको कर देता है। जब ये हॉलो शेप की हो जाती हैं तो इनको हम गार यानी केव्स कहते हैं। और केव्स की अहमियत यह है कि पुराने ज़माने में लोग जो थे यहाँ पर पनाह लेते थे जानवरों से बचने के लिए और अपने दुश्मनों से बचने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि जो बहुत मशहूर फ़लसफ़ी और जो गुजरे हैं स्पेशली इजिप्ट में, वो गारों में आकर गौर व फिक्र किया करते थे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये भी इजिप्ट में ही कहना है कि खुदा जो है वो भी गारों में ही रहा करता था। और गारों से मुझे निस्बत यूँ है कि पहली वही भी गारे हिरा में आई थी। तो ये सारा कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। उसकी छत पर कॉलम्स लगे हुए हैं और जो कि पानी जब गिरता है तो उनमें जमा होता रहता है। ये सारा, ये देखिए, हाँ जी, और ये देखिए, ये सारा कुछ गार के अंदर है। और ये रेलिंग बनी हुई है जाने के लिए। और ये देखिए, आफ्ताब खड़े हुए हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें पानी अंदर हो या बाहर हो, ये बहुत बहुत कॉमन है गारों के अंदर। और गारों का टेम्परेचर जो है वो हमेशा 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यानी कि बाहर के मुकाबले में ऐसा ही रहता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ यहाँ पर कि पानी का ड्रॉप यहाँ पे गिर रहा है और साथ ही एक कीड़ा भी चल रहा है। ये देखिए, तो ये इस तरह से केव्स बनती हैं। और केव्स मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह से बनती हैं, या तो पानी से, या जहाँ कहीं आतिशफिशा फटता है तो वहाँ पे भी केव्स बन जाती हैं। तो केव्स के लिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें उसको मैसर हों। और आपने अक्सर, मैंने केव्स में देखा है, अगर मैं जनोलन केव में जब गई थी तो वहाँ गारों के नीचे जो था, यानी कि जो फर्श है उसके भी नीचे एक तालाब सा बना हुआ होता है, तो वहाँ पर पानी हल्के सब्ज रंग का दिखाई देता है। अच्छा, ये जो केव्स बनाई जाती हैं हमारे लिए, यानी हमारे देखने के लिए, तो इनको ट्रीट किया जाता है, इनके अंदर से सफाई की जाती है, कीड़े मकोड़ों को भगाने का इंतज़ाम किया जाता है, फिर रेलिंग्स लगाई जाती हैं, फिर सीढ़ियाँ जो हैं वो भी बनाई जाती हैं ऊपर जाने के लिए। बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो लिए जाते हैं। कहते ये हैं कि जब जनोनल केव, जो कि हज़ारों मिलियन ईयर्स बल्कि में जब दरियाफ्त हुई थी, तो एक बंदा सिर्फ जो है वो
टोपी पहनकर वो अंदर गया था और उसने इतनी बड़ी सी केव दरियाफ्त की थी। तो बहुत बहुत खूबसूरत है ये केव। ये देखिए आपको स्टिलेट नज़र आएगा, तो ये सारा कुछ केव्स के अंदर होता है और मिलियन ईयर्स की कहानी हमको केव्स सुनाती हैं। आगे बहुत अंधेरा है तो मैं इसको बंद कर रही हूँ। जैसे ही मुझे रोशनी मिली मैं आपके लिए दोबारा से केव्स के इनसाइड, जो कि मैंने ख़ास तौर पे एहतमाम किया है कि आप लोगों को दिखा सकूं, वरना कोई भी केव किसी और केव में ये फैसिलिटी नहीं है कि हम फिल्म बना सकें या तस्वीरें ले सकें। ये सिर्फ एक वाहिद केव है ऑस्ट्रेलिया में जो आज हमने मुंतखब किया है ताकि हम आपको केव्स दिखा सकें। तो ये देखिए, ये मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ इसके, जहाँ पे हाँ यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी मुझे मिल गई है। हाँ जी, मैं आ रही हूँ इस साइड पे। ये केव के इनसाइड है। मुझे एक ऐसी केव देखने का भी इत्तेफाक हुआ जिनोन केव के अंदर, जी मुझे ऐसी केव देखने का भी इत्तेफाक हुआ कि जो इतनी बड़ी थी कि वहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते थे और वहाँ पे आवाज़ ऐसे गूंजती थी जैसे कि कोई इकोसिस्टम हो। तो वहाँ पर परफॉर्म करना, मुझे उसका नाम भूल गया उस केव का, Wombeyan Caves Reserve was proclaimed in 1865 and is today managed by the New South Wales National Parks and Wildlife Service, a division of the Department of Environment and Climate Change. Caves are fragile and irreplaceable. Before beginning your tour, we ask you to help protect your heritage by observing the following rules. Please do not touch any of the formations. Touching dissolves and discolors the rock. Do not smoke. Do not litter or bring food or drinks into the cave. And in the interest of your safety, please stay between the handrails and on the pathway at all times. Ahead of you is 400 meters of cave. Features of the cave and its history are illuminated and interpreted at various points and are activated by your movement. We urge you to take your time and experience the natural beauty of the Fig Tree Cave. The caves at Wombeyan have been developed in marble, a metamorphic rock more than 400 million years old, an age beyond our own comprehension. To understand the timelessness, picture yourself in a world where life was very primitive, when Australia was much part of a larger supercontinent. Dinosaurs would not roam the earth for another 200 million years. The land that surrounds you was submerged beneath a shallow sea, teeming with ancient corals, shellfish and other marine life. Their calcium carbonate skeletons accumulated as sediments on the seafloor and were consolidated into the limestone over many millions of years. This limestone was later raised above sea level by earth movements and continental upheaval. Volcanic activity has then recrystallized the limestone into marble. Caves have formed at Wombeyan because the marble is made almost entirely of calcite, a mineral that can be dissolved by slightly acidic water. Rainwater collects in the soil above the cave and combines with carbon dioxide to form a weak acid. This acid water flows through the cracks and rivers between the marble and lightens them, eventually creating a system of interconnected tubes and chambers that you will experience on your journey to the top. ये केव का दूसरा लेवल है, ये केव का दूसरा लेवल है जिसमें हम आ गए हैं। बहुत ही एक नैरो सा रास्ता था, पत्थरों से बना हुआ, पत्थरों को काट कर बनाया हुआ था। मैं वहाँ से निकल कर आई हूँ, मेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि आप ख़ुद से एक्सप्लोर करें, ख़ुद से देखें। तो देखा होगा, ये देखिए ये छत है, ये मार्बल की केव्स हैं और इसको 400 मिलियन ईयर्स लगे हैं बनने के लिए। पानी रिश्ता है ना, ये कैल्शियम से जी, कैल्शियम मिक्स होके, हाँ जी कैल्शियम से, जी 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 लाइम से मिक्स होके। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा दिया हुआ है
ये मुझे हमेशा से अच्छी लगती हैं चीज़ें पढ़नी। आप देखिए ये लिखा है कि पूरी हिस्ट्री है इनके, शक्ल बनती जाती है और ये सारी वो अंधेरा है, टू डार्क, बहुत डार्क है। बहुत डार्क है। ये देखिए जो तीन कॉलम एक साथ, हाँ जी ये तीन एक साथ बने हुए हैं, बिल्कुल लगा जैसे थ्री सिस्टर्स बनी हो। हाँ तो ये जैसे जैसे पानी जो है वो जाएगा, ये देखिए वैसे वैसे अब तक मैं वहाँ निकलती हूँ ना, तो आपको ये पत्थर दिखाया कितने नैरो पत्थर से हम उतर के जा रहे हैं। ये अब नीचे जा रहे हैं और ये देखिए ये ट्रेन में जा रहे थे, इतनी सी सिर्फ चौड़ाई है, ये चौड़ाई चीज से निकल के जा रहे हैं नीचे। और ये सर आपको झुका कर दो, ये लगता है कि दो चट्टाने होंगी तो इसमें से जगह, और लेकिन सारे पत्थर ये सारे कॉलम्स हैरान कुन कहानियाँ कहते हैं अपने वक्तों की कहानियाँ इसमें दफन हैं, कितने जमानों की। ये देखिए पानी के बहने से ये ऐसी लहरें बनी हुई हैं मिट्टी के ऊपर, बिल्कुल और वैसी जुड़ गई हैं, जम गई हैं। अच्छा कहते ये है कि गारों में उस जमाने में गारों के अंदर वो जो जंगली जो जानवर होते थे वो भी आकर सोते थे, भीड़ होती थी उनकी। इसके अलावा अर्थवॉर्म और वो जो जो चट्टानों के अंदर पानी होता है, उन पानी के अंदर जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनको नज़र नहीं आता, तो उसकी खास पहचान है। देखिए हम बहुत ही नैरो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं,